सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि कैसे बिजी के अंदर अकाउंट्स को ऐड किया जाता है या पुराने अकाउंट्स को कैसे मॉडिफाई किया जाता है। तो वीडियो को आप पूरा देखना जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे किसी डेटर या क्रेडिटर का अकाउंट क्रिएट करते हैं, कैसे फिक्स्ड असेट का अकाउंट क्रिएट करते हैं या किसी एक्सपेंस का अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे क्रेडिटर और डेटर के अकाउंट को क्रिएट कैसे करते हैं। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जाना है, मास्टर के अंदर जाना है। यहाँ पर ऑप्शन है अकाउंट का, इसके ऊपर जब आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमको तीन ऑप्शन मिलते हैं, ऐड का, मॉडिफाई का और लिस्ट का। तो अभी हम अकाउंट को ऐड करना जानते हैं, उसके बाद मॉडिफाई करना जानेंगे। तो ऐड के ऊपर एंटर करेंगे। तो जब हम किसी भी अकाउंट को ऐड करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐड अकाउंट मास्टर लिखा हुआ होगा। वहीं अगर आप किसी अकाउंट को मॉडिफाई करेंगे तो यहाँ पर मॉडिफाई अकाउंट मास्टर लिखा हुआ होगा। यहाँ पर जो सबसे पहली हमारे पास फील्ड है वो है नेम की। जो भी हमारा डेटर या क्रेडिटर का नेम है वो हम यहाँ पर डालेंगे। जैसे ये हमारे पास एक परचेज बिल है तो बिल के ऊपर नाम आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम डाल देते हैं। डेटर और क्रेडिटर का अकाउंट क्रिएट करते वक्त ये बात ध्यान रखनी है कि आप पार्टी के नाम के बाद उसका कुछ भी एड्रेस जरूर डालें। इससे होता यह है कि अगर हमारे पास सेम नाम की दो या तीन पार्टी हैं तो जब हम उनकी एंट्री करेंगे तो हमको ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी, उनका बार बार अकाउंट खोलने की दिक्कत नहीं होगी कि वो पार्टी कौन सी है। अब यहाँ पर हमने पार्टी का नाम डाल दिया है और उसके पीछे एड्रेस डाल दिया कि वो दिल्ली की पार्टी है। उसके बाद ऑप्शन आता है एलियास का। एलियास का मतलब है कि अगर आप इस पार्टी का शॉर्ट नेम यहाँ पर डालते हैं तो अगर आप इस शॉर्ट नेम डालकर भी सर्च करेंगे तो इस लेजर की जो डिटेल होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी। आपको पार्टी का पूरा नेम डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन है प्रिंट नेम का। प्रिंट नेम के अंदर आप देख सकते हैं जो हमने ऊपर डाला था वही सेम आ रहा है। पार्टी का नाम और जो हमने एड्रेस लिखा था वो लिखा हुआ है, पर जब आप बिल को प्रिंट करेंगे तो हमको ये नहीं चाहिए कि पार्टी का नाम आए और उसका स्टेट जो हमने लिखा हुआ है वो भी लिखा हुआ है। हमको तो बस बिल के ऊपर पार्टी का नाम नाम चाहिए। तो हमको करना ये है, प्रिंट नेम पे जब हम आएंगे तो जो हमने स्टेट लिखा हुआ है, जो एड्रेस लिखा हुआ है वो पीछे से हटा देंगे, जिससे कि जब बिल प्रिंट होगा जो उसका पार्टी का नाम है वो बस नाम नाम आपको शो होगा। उसके बाद ऑप्शन है ग्रुप का। ग्रुप में आपको बताना है कि अकाउंट किस नेचर का है, डेटर है, क्रेडिटर है, एक्सपेंस है, लाइबिलिटी है, ड्यूटीज टैक्सेस हैं। अभी हम डेटर और क्रेडिटर का बनाना सीख रहे हैं तो हम यहाँ पे क्रेडिटर डालेंगे। तो यहाँ पर हम डेटर या क्रेडिटर कुछ भी डाल सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि आप किस पार्टी का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, अपने डेटर का या क्रेडिटर का। उसके बाद ऑप्शन है एड्रेस का, जो भी पार्टी का एड्रेस होगा वो आप यहाँ पे डाल देंगे। कंट्री के अंदर इंडिया रहेगा। वहीं अगर आप किसी बाहर कंट्री से भी काम करते हैं तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम इंडिया में ही काम करते हैं तो इंडिया रहने देंगे। उसके बाद ऑप्शन है यहाँ पे स्टेट का, पार्टी कौन सी स्टेट की है। ये सारी डिटेल आपको बिल के ऊपर मिल जाएंगी। ये पार्टी हमारी दिल्ली की है तो हम दिल्ली डाल रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेट के आगे एक कोड लिखा हुआ है 07। GST के अंदर ये पहले से डिफाइन कर रखा है कि किस स्टेट का क्या कोड है। वहीं अगर आप इसको उत्तर प्रदेश करेंगे तो ये 09 हो जाएगा, पंजाब को करेंगे तो 03 हो जाएगा। एंटर प्रेस करके GST नंबर पे आएंगे। यहाँ पर पार्टी का GST नंबर डालना है। यहाँ पर कोड जैसे ऊपर 07 आ रहा है तो जो GST नंबर हम डालेंगे वो 07 से स्टार्ट होगा। GST नंबर डालने के बाद यहाँ पर ऑप्शन है वैलिडेट GST ऑनलाइन। यहाँ पर आप GST नंबर को वैलिडेट कर सकते हैं। यस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको स्टेटस दिखा देगा कि GST नंबर एक्टिव है, उसका ट्रेड नेम क्या है, लीगल नेम क्या है, स्टेट कौन सा है, टाइप ऑफ डीलर क्या है। यहाँ पर इसका यूज़ बस इसलिए होता है कि ये GST नंबर को चेक कर सके कि GST नंबर एक्टिव है, इनएक्टिव है या कैंसल्ड है।
बाकी जो हम अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं वो यहाँ पर आप नेम चेक कर सकते हैं वो सेम है या नहीं है। बाकी नीचे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जो भी डिटेल आपके पास हो वो यहाँ पर आप फिल कर सकते हैं। यहाँ दूसरी तरफ आप उसका अकाउंट नंबर सेव कर सकते हैं। यहाँ पर आप कोशिश करें कि जब भी आप अकाउंट क्रिएट करें तो जनरल इन्फॉर्मेशन के अंदर आप वो पूरा पूरा फिल कर पाएँ। सारी डिटेल फिल करने के बाद सेव के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि कैसे हम किसी फिक्स असेट का अकाउंट क्रिएट करते हैं, क्या क्या उसके अंदर हमको फीडिंग करनी होती है। फिक्स्ड असेट का नाम लिखेंगे, एंटर प्रेस करके नीचे आएंगे। यहाँ पर ऑप्शन है ग्रुप, ग्रुप के अंदर लिखेंगे हम फिक्स्ड असेट। उसके बाद ये हमसे पूछता है कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है। इसको आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, आपको इजीली मिल जाएगा। जीएसटी टाइप, यहाँ पे हमको जीएसटी टाइप बताना है कि इस फिक्स असेट के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है या नॉन एप्लीकेबल है। जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे, टैक्स कैटेगरी बताएंगे। अभी यहाँ पर जो जीएसटी डिटेल है वो आपको बिल के ऊपर मिल जाएंगी, जो भी आपने फिक्स असेट परचेज करी है उसके बिल के ऊपर ये सारी डिटेल आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएंगी। टैक्स कैटेगरी लिखेंगे, HSN लिखेंगे, ITC एलिजिबिलिटी, इसके अंदर कैपिटल गुड्स आएगा, RCM नेचर, यहाँ पर हम करेंगे बेस ऑन डेली लिमिट। नीचे की डिटेल हम ऐसे ही छोड़ देंगे, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सेव के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका फिक्स असेट का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि कैसे हम किसी एक्सपेंस का अकाउंट क्रिएट करते हैं। तो एक्सपेंस के अंदर आता है हमारा प्रोफेशनल फीस। तो हम प्रोफेशनल फीस का अकाउंट क्रिएट करते हैं एज अ एक्सपेंस। नेम के अंदर प्रोफेशनल फीस लिखेंगे, एंटर प्रेस करके नीचे आएंगे, ग्रुप के अंदर एक्सपेंस डालेंगे। ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे, टैक्स रेट डालेंगे, HSN कोड डालेंगे। अब यहाँ पर इसको हम डालेंगे इनपुट सर्विसेज के अंदर। इनपुट सर्विस इसलिए डालेंगे क्योंकि हमारे लिए कोई गुड्स नहीं है जिसको हम आगे बेचेंगे, ना ही ये कोई कैपिटल गुड्स है जिसको हम यूज़ करेंगे अपने वर्क के लिए, इसलिए इनपुट सर्विस के अंदर जाएगा। यहाँ पर भी बेस्ड ऑन डेली लिमिट करेंगे और इसको सेव कर देंगे। किसी भी अकाउंट के अंदर मॉडिफिकेशन करने के लिए सिंपली मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करेंगे। जिस भी अकाउंट के अंदर मॉडिफिकेशन करनी है उसका नाम यहाँ पर डालेंगे। अब आपको जो भी मॉडिफिकेशन करनी है वो करने के बाद वापस से सेव वाले बटन पे क्लिक करेंगे, आपकी मॉडिफिकेशन हो जाएगी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आज आपने जाना कि कितना ईजी है किसी भी अकाउंट को क्रिएट करना। आपको कुछ भी पूछना हो या कोई सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट ज़रूर करें। अगर आप बिजी सीखना चाहते हैं तो वीडियोस आपको चैनल के ऊपर और मिल जाएंगी, आप वो भी देख सकते हैं। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे किसी दूसरी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।